बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास ऑफ फिज़िक्स फॉर फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस अपने टॉपिक में स्टडी किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट राउंडिंग ऑफ, के नंबर्स को किस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कुछ रूल्स को देखा था। Here I have mentioned these rules for your revision. The rule number one was, if the dropping digit is less than 5, then last retained digit will be kept same. अगर आपका जो dropping digit है वो less than 5 है, ठीक है स्टूडेंट, तो जो last retained digit होगा उसको आप लोगों ने as it is रखना है। The rule number two was, if dropping digit is greater than 5, then last retained digit will be increased by 1, कि अगर आपका जो dropping digit है that is greater than 5, तो जो last retained digit होगा उसको आप लोगों ने 1 से इंक्रीज कर देना है। These two rules were pretty simple. तो थर्ड रूल था, इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ इक्वल टू 5, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो इसमें स्टूडेंट आप लोगों ने दो डिफरेंट केसेस को ऑब्जर्व करना था। फर्स्टली, अगर जो ड्रॉपिंग डिजिट 5 है उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जर्व करने थे सारे के सारे अगर जीरोज़ आ रहे थे तो आप लोगों ने वापस अपने लास्ट रिटेंट पे चले जाना था। मतलब कि केस नंबर 1 था, नो नॉन ज़ीरो आफ्टर 5, 5 के बाद किसी किस्म का कोई भी नॉन ज़ीरो ना हो बल्कि सारे के सारे ज़ीरोज़ हों। तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना था, ऑब्ज़र्व लास्ट रिटेंड, आप लोगों ने अपने लास्ट रिटेंड डिजिट को ऑब्ज़र्व करना था। अगर तो वो लास्ट रिटेंड डिजिट इवन है तो आप लोगों ने उसको एज इट इज़ छोड़ देना था। अगर लास्ट रिटेन डिजिट ऑड था तो आपने उसको 1 से इंक्रीज कर देना था। दिस वाज केस 1। केस 2 ये था कि जो आपका ड्रॉपिंग डिजिट 5 है उसके बाद किसी भी पोजीशन के ऊपर कोई भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, उस केस में आप लोगों का जो लास्ट रिटेन डिजिट था चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो आप लोगों ने उसको 1 से इंक्रीज कर देना था। सो दिस वाज द समरी ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर। इस समरी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए भी किया क्योंकि आज का हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसमें आपने नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा एंड यू हैव टू कीप इन माइंड योर दीज 3 रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ओके, आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इससे पहले जो प्रीवियस बुक थी 10th की उसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का वहाँ पे भी टॉपिक था। द टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ऑल दी एक्यूरेटली नोन एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी आप लोगों ने मेजरमेंट की उसमें जो एक्यूरेटली नोन है प्लस फर्स्ट जो डाउटफुल डिजिट है, दे रिप्रेजेंट योर सिग्निफिकेंट फिगर। और इनके इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, इनको क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं? द रीज़न इज़ दैट ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आइडिया देते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम लोगों ने जो रीडिंग ली है, जो डेटा लिया है वो किस हद तक ठीक है, किस हद तक वो रिलायबल है। सो इट मीन्स दैट वी कैन से दैट इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ दैट दे गिव अस आइडिया फॉर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, जिसमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो उतना ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट डेटा होगा। अब किसी भी रीडिंग में आप लोग जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देर आर सम रूल्स फॉर दिस टास्क। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर दी एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स से रेलिवेंट सारे के सारे रूल्स क्लियर होंगे। सो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। और एमसीक्यूज़ मोस्टली बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं और एचए के पेपर में भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं। सो हम लोग 1 by 1 सारे के सारे रूल्स को डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स भी उनसे देख लेते हैं। ओके, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने के जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं।
कौन से नॉन जीरो डिजिट हैं? फ्रॉम 1 अप टू 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑल दीज आर दी नॉन जीरो डिजिट्स एंड दे ऑल आर दी सिग्निफिकेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई नंबर है 346, 346, इफ आई एम आस्क्ड हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, आई कैन सिंपली से दैट देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज आई हैव 3 नॉन जीरो डिजिट्स ओवर हियर. सेम लाइक केस 5, 2, 9, 6, 6, आई हैव 1, 2, 3, 4, 5, 5 नॉन जीरो डिजिट्स, सो हियर द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द 5. In a case of 1000, I have only one significant figure. Why only one significant figure? Because there is only one non-zero digit. This is the rule number one. So what is the rule number one? Simply, सारे के सारे जो non-zero digits हैं, they are significant. Okay. Now come to the rule number two. Zeros between two non-zeros are significant. जब कभी भी आपके पास ज़ीरो अपीयर हो रहा हो, कब? दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में, तो तब आप लोग क्या कहोगे? वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, उस ज़ीरो को भी आप सिग्निफिकेंट कंसिडर करोगे. एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई हैव अ नंबर 603. आई कैन सी दैट कि ये वाला जो ज़ीरो है, ये बिटवीन टू नॉन ज़ीरोज़ आ रहा है 6 और 3 के दरमियान. सो दिस ज़ीरो विल बी सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर टू. सो आई कैन से दैट हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1, 2, 3. सो आई हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओवर हियर. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल 3.00026. स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जर्व करो, ये तीनों के तीनों जो ज़ीरोज़ हैं, ये दो नॉन ज़ीरोज के दरमियान आ रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट कंसिडर. सो आई कैन से दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन दिस रीडिंग और इन दिस नंबर आई हैव 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिंपल. ओके, लेट्स कम टू रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 सेज दैट ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल, डेसिमल मीन्स पॉइंट, ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो और नॉट सिग्निफिकेंट. इस रूल को स्टूडेंट्स हम लोग पहले एग्जांपल से देखते हैं और फिर दोबारा स्टेटमेंट पे आते हैं और उसको समझ लेते हैं. स्टूडेंट देखो, दिस इज़ द नंबर, ये मैंने एक नंबर लिखा है 0.0062. अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व करें, ये जो दो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं, पॉइंट के बाद आ रहे हैं. सेकेंडली, ये जो ज़ीरोज़ हैं, ये एक नॉन ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं. वो नॉन ज़ीरो कौन सा है? वो नॉन ज़ीरो 6 है, 6 के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं. अब मेरा रूल नंबर 3 क्या कहता है? इट सेज ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल, मतलब ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल, ये दो जो ज़ीरोज़ डेसिमल के बाद आ रहे हैं. एंड सेकंड कंडीशन क्या? टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो, एक नॉन ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे, जो कि यहाँ पे नॉन ज़ीरो मेरे पास 6 है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये दो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों के दोनों ज़ीरोज़ डेसिमल के बाद अपीयर हो रहे हैं, सेकेंडली एक नॉन ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रहे हैं. सो दीज टू ज़ीरोज़ आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट. ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? बिकॉज वी नो दैट ओनली नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सो इधर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? ओनली दीज टू आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दैट इज 0 and 2. सो आई हैव हेयर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. आई हैव अ रीडिंग 0.006002. अब इसमें मैंने एक ट्रिक यूज़ किया, थोड़ा सा मैंने रूल्स को मिक्सअप कर दिया है. कैसे? अब आपने स्टूडेंट्स इसमें बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये वाले दो जो ज़ीरोज़ हैं, ये बिटवीन टू नॉन ज़ीरोज़ अपीयर हो रहे हैं, 6 और 2 के दरमियान अपीयर हो रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट. इसका मतलब ये दो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे.
इसके अलावा स्टूडेंट्स 602 ये तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और मेरा रूल नंबर 1 कहता है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब 6 भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है और ये 2 भी सिग्निफिकेंट है। नाउ आई हैव टू डिसाइड अबाउट दीज टू ज़ीरोज़। अगर आप इन दो ज़ीरोज़ को देखो तो ये डेसिमल के बाद अपीयर हो रहे हैं और एक नॉन ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रहे हैं। एंड माय रूल नंबर 3 सेज दैट ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये दोनों जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है एंड दिस ज़ीरो इज़ क्वाइट ऑब्वियस इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? Only 4, 1, 2, 3, and 4. So I have only 4 significant figures over here in this number. Okay. Let's come to the rule number 4. Rule number 4 says that zeros after decimal and to right of any non-zero are significant. Rule number 3 के exactly opposite है। यहाँ पे क्या है, ज़ीरोज आफ्टर डेसिमल, सेम इज़ अ केस ज़ीरोज आफ्टर डेसिमल। यहाँ पे सिर्फ क्या स्टूडेंट्स, टू द राइट ऑफ नॉन डेसी, टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो, जबकि यहाँ पे क्या था, टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, ज़ीरोज आफ्टर डेसिमल एंड टू द राइट ऑफ एनी नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट एग्जाम्पल 3.000। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखो तो ये ज़ीरोज़ जो हैं ये डेसिमल के बाद अपीयर हो रहे हैं, ये सारे के सारे ज़ीरोज़ डेसिमल के बाद अपीयर हो रहे हैं। सेकेंडली ये सारे के सारे ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ ए नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। सो माय रूल नंबर 4 सेज दैट ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल एंड टू द राइट ऑफ एनी नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये तीनों के तीनों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे। सो आई विल गेट 1, 2, 3, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं 4.006020। ओके, अगर आप लोग इन दो ज़ीरोज़ को देखो तो ये आ रहे हैं बिटवीन टू नॉन ज़ीरोस, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। इस वाले ज़ीरो को ऑब्जर्व करें, ये आ रहा है बिटवीन टू नॉन ज़ीरोस, अगेन रूल नंबर 2 मैंने अप्लाई करना है। और ये फाइनली जो ज़ीरो आ रहा है ये मैं देख सकता हूँ डेसिमल के बाद भी आ रहा है और टू दी राइट साइड ऑफ नॉन ज़ीरो भी आ रहा है, तो मेरा रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। सो आई कैन से दैट कि ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। सो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7। सो आई विल हैव 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, लास्ट एग्जाम्पल 0.040200। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस ज़ीरो को देखो तो ये दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान आ रहा है, ऑब्वियसली बात है ये सिग्निफिकेंट होगा। ये जो दो ज़ीरोज़ हैं ये डेसिमल के बाद भी आ रहे हैं और एक नॉन ज़ीरो के राइट साइड पे भी आ रहे हैं, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों ये वाला ज़ीरो क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, ज़ीरोज आफ्टर डेसिमल एंड टू लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो डेसिमल के बाद भी आ रहा है और टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो आ रहा है। सो दिस ज़ीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट एंड दिस ज़ीरो इज़ ऑब्वियसली नॉट सिग्निफिकेंट। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5। So I will have 5 significant figures over here. Okay. Rule number 5, this is pretty simple. जब आपके पास कोई भी number scientific notation में लिखा हुआ हो स्टूडेंट्स, तो जितने के जितने digits हैं except power of 10, वो सारे के सारे significant होंगे। For example, ये मैंने एक scientific notation में एक number लिख दिया है 2.003×10⁴। तो इसमें स्टूडेंट्स ये 10 की पावर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं दीज आर दी सिग्निफिकेंट। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4। सो आई विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेम लाइक हियर 1.0×10⁸। 10 पावर को आप लोग भूल जाओ, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट। आई हैव 2 डिजिट्स, सो देर आर दी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ओके, नेक्स्ट रूल इज़ द रूल नंबर 6। फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 को स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को लीस्ट काउंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये लीस्ट काउंट, ये जो रूल नंबर 6 है, इट इज़ रिलेटेड विद द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का वर्ड इससे पहले आप लोग अपने 9th या मैट्रिक क्लास में सुनते आए हैं। लेट मी रिमाइंड यू, लीस्ट काउंट होता क्या है। अगर आप लोग इस वर्ड के ऊपर ही गौर करो तो आपको समझ आ जाएगी लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट मीन्स कम से कम, काउंट मीन्स गिनना या मेजर करने की एबिलिटी। किसी भी डिवाइस की कम से कम वो कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक घर पे जो दीवार के ऊपर घड़ी लगी होती है, एनालॉग वॉच, वो कम से कम कितना मेजर कर सकती है, दैट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। ऑब्वियसली वो कम से कम 1 सेकेंड को मेजर कर सकती है, दैट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। आपके हैंड के ऊपर जो डिजिटल वॉच है, अगर आप लोग उसमें स्टॉप वॉच को देखो तो वो 1 सेकेंड के 100वें हिस्से को भी मेजर कर सकती है। इट्स मीन्स दैट उसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1/100 सेकेंड्स। इसी तरह से आप लोग अगर अपने जो आप लोग स्केल यूज़ करते हो, उस स्केल को देखो तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से रीडिंग लिखी हुई होती है, लेकिन जो 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 अप टू सो ऑन। तो आपके स्केल की कम से कम मेजर करने की क्या कैपेसिटी है, 0.1 सेंटीमीटर। सो 0.1 सेंटीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। अब अगर आपको कोई भी रीडिंग गिवन हो तो आप लोग जज कर सकते हो कि उसका लीस्ट काउंट वहाँ से क्या होगा। ये हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग किस तरह से जज करते हैं। नाउ लेट्स कम टू योर रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 सेज दैट फॉर एन इंटीजर्स और फॉर मेजरमेंट लाइक 3000 kg, इट्स ऑब्वियसली अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज मैस। इसमें आपके पास ये जो जीरोज आ रही हैं, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, दिस डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट। सो एग्जांपल्स में देखें, एग्जांपल देखने से पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ थोड़ा सा कॉमन एग्जांपल से फेमिलियर करवाना चाहता हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट गाड़ियों का या मोटर बाइक का स्पीडोमीटर देखें तो वहाँ पे एक स्पेशल साइट बनी होती है जहाँ पे RPM लिखा होता है, मींस रेवोल्यूशन पर मिनट्स। तो अगर आपकी नीडल घूम के 10 पे आ रही है तो आप अगर देखो रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ लिखा होगा x 1000 मल्टीप्लाई बाय 10000 व्हाटसोएवर। तो अगर आपकी नीडल 1 पे आ रही है, इट मीन्स दैट 1 मल्टीप्लाई बाय दैट 1000 और दैट 10000 इज़ अ रेवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज़ स्पीड ऑफ योर इंजन। इसी तरह से जब कभी भी हैवी लोडेड कार्स या हैवी लोडेड व्हीकल्स जो हैं वो मोटरवे पे जाते हैं, तो मोटरवे पे जाने से पहले वो अपना वेट करवाते हैं। तो अगर आप उनकी वेट मशीन देखो स्टूडेंट्स, तो वेट मशीन पे जो डिस्प्ले हो रहा होता है, दैट इज़ सिंपली 4, 5, 6, ये नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। और जैसे बैक एंड पे हो क्या रहा होता है, वो जिस डिवाइस से वो वेट मेजर हो रहा होता है, वो उस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 टन या 2 टन इस तरह से होता है। तो अगर 4 लिखा आ रहा है, इट मीन्स दैट इस गाड़ी का जो वेट है वो 4 टन्स है। तो सेम इज़ अ केस हियर, हम लोगों ने यहाँ पे भी इस चीज़ को आप लोग देखोगे। अगर आप लोगों ने ये 3000 kg मैस मेजर किया है किसी ऐसी डिवाइस की मदद से जिसका लीस्ट काउंट है 1 kg, तो वो उस 3000 को कैसे एक्सप्रेस करेगी, वो इस 3000 को अपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके तब आपको आंसर देगी। तो स्टूडेंट्स, 3000 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए, आपके पास 3000 kg आएगा, ऑब्वियसली 1 kg। सो अगर आपकी डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg है, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स बनेंगे, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 3000 में ये जितने के जितने नंबर्स होंगे, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सो यू कैन से दैट हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, 1, 2, 3, 4। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह से लिखोगे, 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, एंड ऑब्वियसली
यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ 1, 2, 3, 4 देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, अगर लीस्ट काउंट 10 kg है तो आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वहाँ पे 300 अपीयर होगा. आप 300 को मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तब आपको रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ 3000 kg. सेम लाइक जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी है, जो गाड़ी जब वेट होता है ऊपर 4 डिस्प्ले होता है या 5 डिस्प्ले होता है, उसको आप लोग उस डिवाइस के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब आपको पता चलता है 4 टन वेट है या 5 टन वेट है. सेम इज़ द केस हियर, अगर किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट 100 kg है तो वो आपको 300 डिस्प्ले करेगी. एंड हियर 300, दिस नंबर इज़ ऑफ अवर इंटरेस्ट, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सो आई कैन सी दैट हियर आई हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इन साइंटिफिक नोटेशन ये नंबर इस तरह से लिखा जाएगा 3.00 × 10³. आप लोग देखो ये भी 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन 3000 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी 3000 को रिप्रेजेंट कर रही है. डिफरेंस क्या है? ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स का. ओके, अगर आपका लीस्ट काउंट हो जाए 100 kg, ऑब्वियसली तो आपकी जो मशीन होगी वो आपको 30 शो करेगी. आप उस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको रिजल्ट मिल रहा होगा. हमारे इंटरेस्ट का ये वाला नंबर है 30 और यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सो आई विल हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इन द साइंटिफिक नोटेशन आई विल राइट इट एज 3.0 ओनली सिंगल जीरो. एंड इफ़ द लीस्ट काउंट इज़ 1000 kg, सो ये 3000 kg कैसे मेजर हो रहा होगा? आपको डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर जस्ट 3 लिखा हुआ नज़र आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस डिवाइस के लीस्ट काउंट के साथ, तब आपको रिजल्ट मिल रहा होगा. दिस नंबर इज़ ऑफ अवर इंटरेस्ट सिंस इट इज़ 3 ओनली 1, सो आई विल हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट आई हैव सम एल्जेब्रिक रूल्स कि जब फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवाइड होंगी, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने किस तरह से काउंट करने और किस तरह से इनको मैंने लिखना है, और इन्हीं में आपके यूज़ होंगे राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स भी. तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग्स ऐड हो रही हों तो सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो आपने क्या करना है, जो फाइनल रिज़ल्ट होगा आपका उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखने हैं वो डिपेंड कर रहा होगा आपकी कौन सी रीडिंग सबसे लीस्ट प्रिसाइज है. इस अपोलॉजीज फॉर इंटरप्शन स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्जेब्रिक रूल्स, और एल्जेब्रिक रूल्स में हम लोगों ने डिस्कस करना था जब 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो तब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो फाइनल रिजल्ट में आप लोग उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाओगे जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज में, लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. अब ये लीस्ट प्रिसाइज क्या है स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आप ये एक रिलेशनशिप अपने इस रिलेशनशिप को देख लें. किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स प्रिसीजन. ये प्रिसीजन क्या होती है हम लोग ये अपने कमिंग टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट अभी के लिए आप लोग ये रिलेशन अपने माइंड में रख लें. लीस्ट काउंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/ प्रिसीजन. जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी, जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा वो उतनी लेस प्रिसाइज होगी. तो जब आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होती है तो आपने देखना होता है कि आपकी कौन सी लीडिंग सबसे लीस्ट प्रिसाइज है. अब लीस्ट प्रिसाइज को देखने के लिए ऑब्वियसली आपको लीस्ट काउंट देखना होगा. तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 3 डिफरेंट लेंथ्स हैं जो मैंने मेजर की है. मैंने क्या करना है, इन तीनों लेंथ्स को ऐडअप कर देना है. लेकिन ऐडअप करने से पहले मैं देख लेता हूँ ये लेंथ जिस डिवाइस से मेजर की गई हैं वो कौन सी डिवाइस है, उस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है. तो स्टूडेंट, अगर मेरे पास ये रीडिंग है तो आप लोग रीडिंग से देख के कैसे लीस्ट काउंट का अंदाज़ा लगाओगे? यू कैन सिंपली से दैट ये वाली अगर रीडिंग है तो इसका लीस्ट काउंट विल बी 0.1 cm. अगर ये रीडिंग है तो ऑब्वियसली 0.3 डिजिट्स हैं, तो लास्ट 3rd डिजिट के ऊपर 1 आपने लिखना है और पहले उससे जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 आपने लिखने हैं, 0.0 cm. अगेन यही रूल आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है. इसको अगर मैं देखूँ तो 0.2 डिजिट्स हैं,
सेकंड डिजिट डेसिमल बाद सेकंड डिजिट प्लेस के ऊपर मैंने वन लिख दिया और जो फर्स्ट डिजिट है वहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, दिस इज सेंटीमीटर। दिस इज़ द वे टू सॉर्ट आउट कि किस तरह से अगर आपको एक रीडिंग गिवन है उसका आप लोगों ने लीस्ट काउंट लिखना है। सिंपली अगर आप, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये 8.735 है, तो थर्ड डेसिमल प्लेस के ऊपर जो 5 लिखा है आप लोग यहाँ पे इस तरह से 1 लिखते हैं थर्ड डेसिमल प्लेस के ऊपर, और जो दो पहले जो आपके पास दो डिजिट्स आ रहे हैं उनकी जगह आप लोग 0 एंड 0 लिख दोगे, एंड ऑब्वियसली 8 की जगह भी 0, सो 0.001 सेंटीमीटर। दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस विच मेजर्ड दिस लेंथ। अब स्टूडेंट अगर आप लोग देखो तो सबसे कम लीस्ट काउंट, सबसे छोटा वाला नंबर ये है, सबसे बड़े वाला नंबर ये है, एंड दिस इज इंटरमीडिएट। एंड माय रूल सेज दैट कि जब मैं इन तीनों को ऐड अप कर दूंगा तो मैंने उतने सिग्निफिकेंट, मैंने अपनी लीस्ट प्रिसाइज वाली रीडिंग को देखना है, और जो मेरी लीस्ट प्रिसाइज वाली रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। और मुझे रिलेशन पता है लीस्ट काउंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रिसीजन, जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा है उसकी उतनी प्रिसीजन कम है। सो आई कैन सी दैट इस वाली रीडिंग का लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है, सो दिस रीडिंग विल बी लीस्ट प्रिसाइज, सबसे कम वाली प्रिसीजन वाली रीडिंग ये वाली है, दिस इज लीस्ट प्रिसाइज, लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग। एंड इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, दिस इज मोस्ट प्रिसाइज, आई एम इंटरेस्टेड इन द रीडिंग विद द लीस्ट प्रिसाइज। इस लीस्ट प्रिसाइज वाली रीडिंग को मैं देख रहा हूँ, इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैंने करना क्या है कि मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स, मैंने क्या कर दिया, x1, x2, x3 इन तीनों को ऐड अप कर दिया। जब इन तीनों को मैंने ऐड अप किया मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है। नाउ माय रूल सेज दैट कि ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर को होना चाहिए, मतलब कि मैंने यहाँ तक आके राउंड ऑफ कर देना है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने राउंड ऑफ करना है तो आप लोगों ने जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े थे उनको आप लोगों ने माइंड में रखना है। आई कैन सी दैट इस 9 के बाद ये 6 है, एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस 9 को 1 से इंक्रीज कर देना होगा। जब 9 1 से इंक्रीज़ होगा ऑब्वियसली 10 तो नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 21 क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। सो 22 बन जाएगा एंड दिस 9 विल टेक द प्लेस ऑफ 0। तो स्टूडेंट क्या होगा, जब मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इस नंबर को लिखूंगा इट विल बी रिटन एज 22.0। आपकी आसानी के लिए लेट अस अज्यूम दैट अगर यहाँ पे मेरे पास नंबर कोई हो 26 में 21.6 कह दें, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग जब मैं इसको लास्ट यहाँ तक राउंड ऑफ करूँगा इट विल बिकम 21.7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है जब कभी भी रीडिंग्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो आप लोगों ने ये देखना होगा कौन सी लीस्ट प्रिसाइज है, लीस्ट प्रिसाइज में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, आपकी फाइनल रीडिंग में भी पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स आने चाहिए, वहाँ तक आप लोगों ने राउंड ऑफ करना होगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल था। नाउ आई हैव वी हैव फाइनल रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड दिस इज़ रादर सिंपल। जब दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होंगे तो आप लोगों ने ये देखना है कि कौन सी रीडिंग में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको आप लोगों ने काउंट कर लेना है, और फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों ने लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो रीडिंग्स हैं 3.6 एंड 3.856, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास दो हैं स्टूडेंट, इसमें मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4 हैं, ऑब्वियसली 2 इज़ द लेस नंबर। सो व्हाट आई हैव टू डू कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर देना है।
जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ऑब्वियसली मैंने सेकेंड दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने हैं, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये फर्स्ट और ये सेकेंड सिग्निफिकेंट मेरे पास फिगर बन रहा है, मैंने यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो मैंने थ्री के बाद देखना है स्टूडेंट्स मेरे पास कौन सा नंबर है। ऑब्वियसली इट इज़ द एट एंड इट इज़ ग्रेटर दैन फाइव, सो मैंने इस थ्री को वन से इंक्रीज कर देना है एंड आई विल गेट 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दिस वुड बी माई फाइनल ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स यू कैन टेक, आप खुद से कोई नंबर लिखें, उसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो नहीं हैं वो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, जो हैं वो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए खुद से आप लोग एग्जांपल्स कर सकते हैं, आप लोग कोई भी नंबर लेके उनके साथ प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आप कोई भी नंबर दे दिए जाएंगे। सो इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एक दो बार लेक्चर को देख लें दोबारा से, यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू वेरी मच।